नमस्कार, आप सभी को आप देख रहे हैं अपने चैनल ट्रीटमेंट ऑफ कफ। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जो कि एक ऐसी डिजीज है जो कि एक प्राणघातक बीमारी है। इस बीमारी का नाम है एंटेरोटॉक्सेमिया, जिसे हम फड़किया रोग भी बोलते हैं, जिसे हम पल्पी किडनी डिजीज भी बोलते हैं। इस बीमारी में ये देखने को मिलता है कि अधिकतर भेड़ के स्वस्थ मेमने या फिर भेड़ अधिक प्रभावित होती हैं, अधिक रोगग्रस्त होती है भेड़ के मेमने में। भेड़ होने के तो ऐसे बकरियों में भी ये रोग होता है, गायों में भी रोग होता है, लेकिन अधिकतर इसमें भेड़ के स्वस्थ मेमने अधिक प्रभावित होते हैं इस बीमारी में। और ये बीमारी प्राणघातक बीमारी है। यदि पशु में बीमारी हो जाए तो पशु की जल्द ही मृत्यु हो जाती है। ये कहें कि 2 से 3 घंटे में भी हो जाती है अधिकतर, या फिर और समय में भी हो जाती है। पशु की मृत्यु टॉक्सिन के ऊपर निर्भर करती है कि पशु में टॉक्सिन कितना रिलीज हो रहा है। इसीलिए आज मैं आपको इस फड़किया डिजीज, जिसे हम एंटेरोटॉक्सेमिया डिजीज बोलते हैं, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स के साथ वीडियो डाल रहा हूँ कि इसमें हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या इसकी इटियोलॉजी है, किस कारण से होता है, इटियोलॉजी का मतलब कारण, इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लक्षण हमें क्या, इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, क्या इसका ट्रीटमेंट है, और इस रोग से कैसे बचा जा सकता है। आज इन्हीं सभी बातों के ऊपर संपूर्ण डिटेल्स के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो लंबी होगी, आप स्किप करकर ना देखें। आप बात करते हैं एंटेरोटॉक्सेमिया, जिसे हम फड़किया बोलते हैं। किस कारण से होती है? क्लोस्ट्रिडियम वेल्चर टाइप डी के द्वारा भी होती है, क्लोस्ट्रिडियम परफ्यूजेंस बैक्टीरिया के द्वारा भी होती है। कारण सीएल क्लोस्ट्रिडियम क्लोस्ट्रिडियम परफ्यूजेंस जीवाणु के द्वारा होती है। एक क्लोस्ट्रिडियम वेल्चर टाइप डी के द्वारा भी होती है। अब बात करते हैं एंटेरोटॉक्सेमिया में या फिर फड़किया डिजीज में हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि ये फड़किया डिजीज है। लक्षण सिम्टम्स, जैसा कि आपको पता है, मैं लक्षणों को आपको बोल के बताता हूँ। आप जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट को आपको कितनी डोज देनी है, कौन से मार्ग से देना है, और आप उस इंजेक्शन को आप स्क्रीन पर भी देखते हैं। मैं आपको लिख के बताता हूँ और आप स्क्रीन पर भी देखते हैं कि वो कैसा है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की, इसमें हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इस बीमारी में हमें पशु में पेट दर्द देखने को मिलेगा। इस बीमारी में पशु हवा में कूदता है पेट दर्द की वजह से, उछलता है। इस बीमारी में पशु में आफरा भी हमें देखने को मिलता है। इस बीमारी में पशु अपनी गर्दन को दोनों पैरों को बीच में रखकर घूमता है, चक्कर काटता है गोल गोल दिशा में। पशु पेट दर्द की वजह से उछलता है। पशु खाना पीना छोड़ देता है। पशु झुंड से पीछे रह जाता है। नेक्स्ट लक्षण, इस रोग में रोगी पशु के जो दांत हैं वो हरे रंग के हो जाते हैं। इस रोग में पशु की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें खिंचाव हो जाता है। नेक्स्ट लक्षण, इस रोग में हमें ये लक्षण भी देखने को मिलता है कि पशु सिर को दीवार से मारता है, या फिर दीवार से टकराकर, या फिर किसी खंभे से लगकर खड़ा रहता है। हमें एक ये भी लक्षण देखने को मिलता है, इस बीमारी में पशु के मुंह से झाग आते हैं, और अंत में पशु की अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पशु की मृत्यु हो जाएगी। जितने भी मैंने आपको ये सिम्टम्स बताए, लक्षण बताए हैं, ये आपको फड़किया डिजीज में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इस बीमारी के ट्रीटमेंट की, कि इसमें हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या उपचार करना चाहिए। ट्रीटमेंट, वैसे तो कोई प्रभावी उपचार नहीं है, लेकिन हम लक्षणों के आधार पर इसका ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ। जो फील्ड में किया जाता है उस ट्रीटमेंट का आपको मैं बता रहा हूँ।
इंजेक्शन। जैसा कि इसमें पशुओं में पेट दर्द हमें बहुत देखने को मिलता है, पेट दर्द के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आप इसमें एक ऐसा इंजेक्शन भी इस्तेमाल करें जो पशु के पेट दर्द को रोके। एनाल्जेसिक तो हो लेकिन वो पेट दर्द को भी रोके, इसलिए हम इसमें चाहे आप स्पास्टिक दे सकते हैं चाहे आप स्पास्मोमेट दे सकते हैं, आप इन दोनों में से कोई सा भी इंजेक्शन पशु को दे सकते हैं। दस से पंद्रह ml इंट्रामस्कुलर में, ये डोज बड़े पशुओं की है, ये कह के 300 से 400 kg बॉडी वेट के पशु की बोलते हैं। हाँ, यदि पशु में ज्यादा तीव्र दर्द हो रहा है तो आप डोज बढ़ा भी सकते हैं। सेकेंड इंजेक्शन, आप इसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन के रूप में आप सल्फा ड्रग्स की औषधि उपयोग करेंगे तो ही बेहतरीन रहेगा। वैसे तो आप कोई सी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, पेंसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, आप कोई सी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक का चुनाव आप स्वयं करें, आप सल्फा औषधि भी दे सकते हैं, आप पेंसिलिन भी दे सकते हैं। हाँ, पेंसिलिन डायग्राम इंट्रामस्कुलर पे। नेक्स्ट इंजेक्शन, आप इसमें बेलामाइन इंजेक्शन का प्रयोग करें, पांच ml इंट्रामस्कुलर। जो डायग्राम इंजेक्शन है पेंसिलिन का, आप 100 kg बॉडी वेट पर आप 1 ग्राम इंजेक्शन देंगे पशु में, ये इसकी डोज है। बेलरमैन की आप 30 से 40 kg बॉडी वेट पर आप 1 ml देंगे। नेक्स्ट इंजेक्शन, आप इसमें एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन भी यूज करें, आप इसमें एविल दे दें, एविल 5 ml इंट्रामस्कुलर। अब आप बात करते हैं इसमें टॉक्सिन बनता है, इसके लिए आप इसमें फ्लूड दें, कोई सा भी एक पशु में दे सकते हैं। ये एंट्रोटॉक्सिमिया बीमारी का ट्रीटमेंट है, वैसे तो इसका कोई प्रभावी उपचार है नहीं, आप जो भी पशु में लक्षण देखें लक्षणों के हिसाब से ट्रीटमेंट करें आप। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आल वाला ऑप्शन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिल सके। जैसा कि आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, आपको बहुत से चैनलों पर बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी लेकिन आपको ट्रीटमेंट नहीं बताया जाएगा। यदि आप ट्रीटमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप और किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी इंजेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, या फिर और किसी वेटनरी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे नई बेहतरीन वीडियो के साथ।